कुछ सुनाई दे रहा है? एग्जैक्टली कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। गाड़ी का हॉर्न, आदमी का शोर, गाड़ी का चलने का आवाज, कुछ नहीं है। सब कुछ छोड़ के आए उस जगह। रात भर अगर जागना है तो गाड़ी नहीं चलाना है, अगर गाड़ी चलाना है तो रात भर जागना नहीं। जो हम लोग आए होटल में, ओ सॉरी, आप लोग को तो मालूम ही नहीं है। जो लोग ये दूसरा पार्ट देख रहे हैं, उन लोगों को पहले पहला पार्ट देख लीजिए, क्योंकि हम लोग का ये जर्नी का आप लोग का समझ में आ जाएगा। और हम लोग पहले चंडील डैम गए थे, अभी वापस हम लोग होटल आए आसनबोनी में। तो चंडील तक तो आप लोग को दिखा दिए पिछले पार्ट में, अभी देखिए तब तक आप लोग चंडील से कैसे हम लोग होटल आए। और होटल आने के बाद मस्त नहा के जो सोए हम लोग, अभी करीबन 8 बज गया जब हम लोग अभी सो के उठ रहे। अभी थोड़ा सा निकलेंगे बाहर घूमने, तो क्या है नहीं है तो उतना मालूम नहीं है, जस्ट खाली देखने जाएंगे क्या है नहीं है। जो काम है कल सुबह सुबह करना है डलमा हिल के लिए। और ये ऊपर बारिश होगा तो जा नहीं सकेंगे, लेकिन बारिश नहीं होगा तो ज़रूर जा सकेंगे। तो खाली होप मना रहे जैसे कुछ ना हो, अच्छा से घूम भी ले। तो चलिए इसी का साथ शुरू करते इस चैनल को। हेलो, सलाम, नमस्ते, नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमर द एक्सप्लोरर। अभी थोड़ा सा रूम से बाहर निकले हैं। सामने का जो पोर्शन है होटल का बहुत काफ़ी खूबसूरत है, सजाया हुआ है। तो थोड़ा सा धीरे धीरे दिखाते हैं होटल के बारे में। तो फिलहाल अभी जगह थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, कभी कहीं जाना नहीं था तो हम लोग सोचे थोड़ा यहीं मज़ा कर लेते हैं। तो पूरा मज़ा कर रहा, पूरा मज़ा। तो अभी थोड़ा सा बैठेंगे, चिल करेंगे, क्योंकि कल फिर सुबह सुबह उठ के जाना है। पीछे है डलमा हिल टॉप, तो उसी में जाना है। तो फिलहाल अभी चलिए मस्ती करते और दिखाते होटल का कुछ। बोले या क्या बोले समझ में नहीं आ रहा। ऐसे तो रात को मस्ती करने के बाद सोए जो तो उठे ही लेट से। हम सोचे लेट से भी निकलेगा तो कोई बात नहीं है, तो ऑलमोस्ट मोटा मोटी थोड़ा थोड़ा करके रेडी हो चुके थे। गुड मॉर्निंग, मैंने वही बात है पहले से बोल रहे। तो उसका बाद अब जब थोड़ा बाहर जाने का नौबत आया तो देख रहे अंकित का गाड़ी फिर से पंक्चर हो गया। तो अभी अंकित और मायती ने गया है वहाँ पर, तो हम लोग वेट कर रहे हैं अभी होटल रूम में।
तो फिर निकलेंगे अभी डालमा हिल के लिए, अब देखिए कब तक आता है। ये प्रोग्राम में ना खाली गाड़ी पंक्चर यार, पंक्चर पंक्चर पंक्चर। इस ये ब्लॉक का नाम हो गया पंक्चर ब्लॉक। फाइनली सब कुछ हो गया कंप्लीट, गाड़ी का पंक्चर वंक्चर सरा लिया, सब कर लिया, सब आ गया। अभी हम लोग निकलने वाला प्लान थे कम से कम खूब खराब होता 11 बजे तक, अभी कम एक बजने चला, 1:15 हो गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डालमा हिल टॉप। तो फिलहाल अभी चलते हैं ऊपर जाके देखते हैं, छोटा छोटा कुछ पॉइंट है देखने लायक, तो वही सब देखेंगे यार, दिखाएंगे भी आप लोगों को। तो चलिए बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ, मतलब एक्चुअली वो इधर का वजह से, मतलब अभी थोड़ा इधर है सफोकेशन टाइप का, उसी लिए। तो अंदर घुसने से पहले ये जो एंट्रेंस है यहाँ पर ही आपको डालमा वन्य प्राणी आरक्षण, मतलब यहाँ से काउंटर में टिकट विकेट का व्यवस्था कराना पड़ेगा, क्योंकि इसका टिकट फेयर जो है हम फोटो में वीडियो में दिखा दे रहे हैं आप लोगों को टिकट फेयर क्या है ये इसका चलाने के लिए। तो काफ़ी जगह तो अच्छा है, थोड़ा सा एक लुक दे रहे आप लोगों को हम। तो उसका बाद यहाँ से थोड़ा पानी उनी भर ले रहे, बोल रहा ऊपर कुछ मिलेगा नहीं, से हम लोग मिनरल वाटर ले लिए ज़्यादा के लिए, अगर ले ले रहे कोई उपाय होगा तो फिर इसके बाद आगे जाएंगे। पसीना हो रहा देख रहा, देख क्या रहा थोड़ा, ऊपर जाकर एक जगह बैठना पड़ेगा। तो अभी हम लोग यहाँ से टिकट जो एंट्री पॉइंट कराना था एंट्री करा लिया, अब ऊपर जाना है। ऊपर ये गेस्ट हाउस है, वहीं से पूछताछ करके इधर उधर घूमना है। 3-4 स्पॉट है छोटा छोटा, ठंडा में बहुत अच्छा लगेगा, अभी गर्मी में थोड़ा सा व्यवस्था खराब हो रहा है। जैसे ऊपर देखने ऊपर एक तो अच्छा चीज़ है ऊपर में, वही देखना है जाके। उसका पीछे एक डियर पार्क है, ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आया। और ये जो है जगह, यहाँ आदमी रहता भी है, इसका बुकिंग डिटेल्स तो नंबर मिला। अब ऊपर जाकर चलते हैं, बात करते हैं अगला बार के लिए। ये जगह एक्चुअली कैंडल हाथी के लिए फेमस है, तो ये देखो हाथी भी मिल गया यहाँ पर हम लोग को देखने के लिए, तो बहुत बड़ा बात है। रास्ता ऑलरेडी शुरू हो गया खराब होना, तो अंकित भाई साहब पर थोड़ा सा फटेगा। अच्छा खासा ऊंचाई में आ जा रहा है किसी में, नीचे से समझ में नहीं आ रहा था, तो लेकिन है ऊंचाई है यहाँ से। यहाँ थोड़ा थोड़ा वेदर तो प्रेजेंट है, मतलब इतने भी ज़्यादा गर्मी, अगर जैकेट वगैरह पहने हैं बोल के गर्मी लग रहा है, लेकिन ऐसे खा रहे ऐसा नहीं लग रहा। वो माय गॉड, यहाँ से अंकित अभी जो चलाएगा तो नीचे से और सब खराब होना ही। ये कोविड पैंडेमिक का दौरान हम लोग घर बैठ बैठ के बोर हो गए थे, पहाड़ पहाड़ बुला रहा था, मतलब लद्दाख ट्रिप बहुत सारा ट्रिप सबका आदमी कैंसिल हो गया है। तो ये जो पहाड़ी रास्ता है ज़्यादा ऊँचा है नहीं, सबसे आने का बाद जो मज़ा आ रहा है वो बहुत ही अच्छा लग रहा बाइक चला के। ऊपर में आने के बाद इतना खूबसूरत नज़ारा देख के हम लोग का तो मूड ही चेंज हो गया। अभी यहाँ से ऐसा लग रहा तो रात में कैसा लगेगा, इसलिए जो नीचे से नंबर मिला था उनसे हम लोग बात करने लगे कि रात में रहने का कुछ बंदोबस्त है कि नहीं। प्लान में थोड़ा सा चेंजिंग हो गया। एक्चुअल हुआ क्या, जब हम लोग ऊपर टॉप में आ गए, ये पिंडर बेड़ा रिसोर्ट जो है, मतलब फॉरेस्ट रिसोर्ट है, ये सब रूम है छोटा छोटा, तो हम लोग का अचानक से मूड हुआ जो नहीं रात को यहीं रहेंगे। रूम रेंट ठीक है,
ये एक ठो का जो है एक एक ठो का आपका 800 रुपया, दो दो रूम है तो 1600 रुपया लग जाएगा। तो हम लोग सोचे इतना जब हो रहा है तो और भी थोड़ा सा मजा लेने के लिए यहाँ रात को जो लगेगा वेदर ठो गजब लगेगा उसी लिए। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से रूम देख लिया है, बात सब कुछ क्लियर हो गया है। तो हम लोग अभी मेरा बाइक रख के मेरा चर्चा का हम लोग नीचे जाएंगे, वो होटल चेकआउट करेंगे। कुछ इन लोग का खाना का प्रॉब्लम होता है, मतलब खाना नीचे से लेके आने से बाद यहाँ पर लोग बना देता है, तो उसका बारे में सब कुछ डिटेल्स बता देंगे। फिलहाल हम लोग अभी हड़बड़ी में निकल रहे नीचे, निकल के आने के बाद यहाँ शाम को घुमाएंगे, तब कल हम लोग यहाँ से निकलेंगे। नीचे आके होटल रूम चेकआउट करते करते सामान लेते लेते बहुत ही शाम हो गया, तो यहीं से खूबसूरत शाम देख रहे, ऊपर से मिस हो गया। चल कोई बात नहीं, कल सुबह सुबह सनराइज दिखा देंगे आप लोगों को। तो चलते अब ऊपर रात का मस्ती कर रहे। तो हम जैसे बोले थे हम लोग जा रहे वापस, क्योंकि सामान लाना है, यहाँ पर हम लोग को रहने का मन हो चुका है। उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ही लॉस हो गया, क्योंकि हम लोग पहले 2 दिन का होटल फेयर वहाँ ऑलरेडी दे चुके थे करीबन 8,000-8,500 रुपया। तो यहाँ का रेट है फिर 1600 रुपया। तो हम लोग सोचे कोई बात नहीं, इतना जब खर्चा हो रहा तो और भी थोड़ा सा खर्चा हो जाए, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ से आते आते हम लोग को शाम हो चुका है, तो हम लोग सोचे ज़्यादा क्या देखेंगे अभी, तो रूम में आके थोड़ा सा फ्रेश हो गए। अब थोड़ा सा निकलेंगे आसपास का थोड़ा जगह देखने, कैसा लग रहा नहीं लग रहा, तो पहले थोड़ा सा वो देख लेते हैं, उसके बाद आके फिर रात को गुड नाइट बोलेंगे। ये रात का मस्ती लेने के लिए हम लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा लॉस किए हैं, खाली एंजॉयमेंट लेने के लिए। एंजॉयमेंट देख रहे हैं लड़का लोगों का, अंकित का मुंह सूखा हुआ क्योंकि गाड़ी वही चला रहा, समझ में आ रहा अभी आएगा अभी। ये देखिए अभी हम लोग पूरा रात का 9 बज रहा करीबन, डालमा हिल टॉप में जो है, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। मतलब हम गाली देने वाले नहीं है, हम लोग आके सेटिस्फेक्शन है, ऐसा बात नहीं जैसे हम लोग अफसोस कर रहे हैं। एक्चुअली चारों तरफ ऐसा कंडीशन है ना, हम आप लोगों को दिखा भी नहीं सक रहे ठीक से। यहाँ एक वॉच टावर है, लेकिन हमको लगता है जमशेदपुर यहाँ से नजर आता था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं होगा तो रिटर्न चल जाएंगे यहाँ से। हम लोग रात को मजा करने के लिए आए थे, मजा 1000 फीट ऊपर है, और ये हम आसमानों की ऊंचाइयों में, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है चारों तरफ, हम लोग आसमान की ऊंचाई पे। सारा दिन जो हम लोग दौड़ झाप किए, क्यों? क्योंकि इस जगह रहने के लिए जो जगह आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके दिखाए, कल सुबह अच्छा से और दिखा सकेंगे। और आने का बाद यहाँ पर जो मज़ा आया, फॉग में गए, ऊपर पूरा फॉग था, उसका बाद आए, मतलब रूम में लाइट ऑटोमेटिक जाना आना हो गया था, मतलब ऑटोमेटिक मतलब बुतेरा व्यापार हो गया था, मतलब कितना इंटरटेन हो रहे। लॉस हुआ, बहुत सारा लॉस हुआ। पहले मतलब माइती जी अभी परिवेशन कर रहा हम लोग का लिए थोड़ा थोड़ा करके, तो वो करने के बाद हम लोग फिर खाना खा लेते। खाना देख रहे, चिकन है, राइस है, सलाद है, क्या चिकन बना है, क्या चिकन। तो अभी खाना वाना सब कंप्लीट हो चुका है, मस्ती भी आप लोग देख चुके कितना मस्ती हुआ, पैसा लगा लगा, लेकिन अच्छा लगा। वो जो फॉग था मतलब बादल था वो देख के मजा आ गया। तो पैसा जो खर्चा हुआ वो जायज है, कैसा तो क्या जायज हुआ पैसा ज्यादा खर्चा करना? हाँ जायज हुआ, थोड़ा स्पूकी केस हो गया, लेकिन जायज हो गया। हाँ बीच में जो केस भी हुआ थोड़ा सा पत्ती घूल मीटर चालू वाला, तो उसमें से तो मायती का जान सूख गया था। फिलहाल वो बोला था एंटरटेन तो हो गया, तो इसी के साथ आज का ये ब्लॉग खत्म कर रहे हैं। कल हम लोग दिखाएंगे पूरा डलमा का जितना देखने का, कल से ही बोल रहे दिखाएंगे, लेकिन आज कल दिखा देंगे, आज तो ऐसे ही दिन चल गया हम लोग का। बीच में तो हॉरर हो गया, बीच में तो हॉरर हो गया। तो मिलते कल, तब तक के लिए खुश रहिए, मजे में रहिए, आराम से रहिए, आनंद से रहिए, टेक केयर, बाय बाय बाय।
Thank you.